सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग माउंटेन फैमिली। तो आपका दोस्त होस्ट नवीन ठाकुर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है, बट इस बार अकेला नहीं, पूरी माउंटेन फैमिली को लेके आया हूँ। तो अभी आपको मिलाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, बट उससे पहले बता दें यार, आज हम कोई बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल जगह जाने वाले हैं। तो शायद ही बहुत कम लोगों को भी पता होगा उस जगह के बारे में। तो अपने घर से ही ऊपर जाने वाला हूँ, बट उससे पहले जब आपको थोड़ा सा मैं लगा जगह के बारे में बता दूँ, सबसे पहले आपको हम अपने राजा जी से मिला देते हैं, जो कि अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उसकी तैयारी हो रही है। तो शिवम से समथिंग, तो उसकी मामा भी बैठी है, तो मामा जी जल्दी उसको लेके बाहर आ जाओ। हाँ, इसको बाहर आने की बहुत हो रही है। बहुत हो रही है ना? बहुत ज्यादा। तो उसको अभी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी में सो गया था। गाड़ी में नहीं, ये घर में सो गया था। तो हमने फिर यही डिसाइड किया था कि जब उठेगा गाड़ी में तभी इसको कपड़े पहनाएंगे। तो मेरे साथ जो आज जाने वाले हैं, सबसे पहले मैं अपनी टीम के मेंबर्स की बात कर लूं, तो सबसे पहले हैं इसमें आव्या एंड मी अजविका। ओके, तो ये तो फिर आप दोनों को जानते हैं, अपने पंट रहे दो। अब मैं मिलाऊंगी आपको अपने फैमिली मेंबर्स से। तो मेरी जो जेठानी है दीदी, उनसे मिलवाती हूँ। दीदी दीदी थोड़े कैमरा शाय हैं मेरी तरह, मैं भी थी पहले। तो आप दीदी से मिलवा रही हूँ। दीदी हेलो, कैसे हो आप? तो दीदी का जो मायका है वो मनाली से है, और मिलाती हूँ आपको जेठ जी से अपने। हेलो माउंटेन फैमिली। तो आज जो है हमारे माउंटेन फैमिली, हम जा रहे हैं पिकनिक पे, घूमने जा रहे हैं। तो एक काफ़ी हाइट पे जगह है दियार से आगे, शौंडा धार नाम है जगह का। तो शौंडा धार की तरफ आज थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं हम सब, सभी बच्चा पार्टी और बड़े पार्टी। और यहाँ से आपको नीचे दिखाती हूँ, सबसे पहले कितना सुंदर है ये सारा नज़ारा, देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सामने की तरफ को आप पहाड़ देख रहे होंगे, ये जो रोड जा रहा है पीछे की तरफ को पहाड़ में, ये है पराशर। ब्यूटिफुल द मेजेस्टिक शौंडाधार, नाम जितना इसका खूबसूरत है। शौंडाधार, धार का मतलब होता है पहाड़, तो धार इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं यार, बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत मीडो है यहाँ। तो मेरे बड़े भाई जो शॉप भी है इनकी, तो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आज सोचा कि यार बड़े भाई को भी लेके चलें। बहुत दिनों बाद चलें आप हमारे साथ, कैसा फिर से अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ये हैं, ये देखो अद्विका के रियल पापा ये हैं, आई एम द छोटा वन। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, और मैं और अद्विका हम दोनों पैसे उड़ाते हैं। हाँ, तो कोई उड़ाने वाला भी तो चाहिए। अब हम लंच की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर से एक बार पुलाव बनेगा। और शिवोहम, तो भाभी जी आज क्या खिलाने वाले हो आप? आज बनेगा शाही पुलाव। और ये दोनों शरारतियाँ, मजे लगे तुम दो के? तो दो लोग हमारे टीम में और थे जो कि पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो ये है अनुभूति, इनको जानते ही होंगे, और वो है पुकी की सबसे छोटी मासी। तो हमारे पास सब आइटमें अवेलेबल हैं, गैस सिलेंडर भी है, कुकर भी है। हम मास्टर शेफ की किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे साथ बैठ चुके हैं दो मास्टर शेफ। और अनुभूति का कहना कि क्या यहाँ पे चौमिन बन रहा है? असल में जो मास्टर शेफ अपने आप को बोलते हैं, वो तो कैमरामैन है, वो बोलता है कि तड़का मैं ही लगाऊंगा। तो तड़का तो मैं लगाऊंगा। एक्चुअली क्या करूँ यार, देखो आइदर या आप ब्लॉगिंग कर सकते हो या फिर आप कुकिंग कर सकते हो, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना संभालना। तो ये हम हैं, ये हमारा पुक्की है, और यहाँ पे पिकनिक हो रही है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इतनी शांति है कि क्या बताएं यार, जितनी तारीफ करोगे शांति की उतनी कम है। और शिवोहम कुछ गाना सुना रहे हैं आपको।
बना रहे हैं हम सरसों के तेल से स्पेशल पुलाव। कुकर में साइड साइड से काला किया हुआ है, ये एक्चुअली चूल्हे के लिए किया है। क्या पहले के टाइम पे करते थे मिट्टी से ना, मिट्टी थोड़ी ना है पर कालिक लगी इसमें ताकि वो काला ना हो बर्तन। तो हमारे पास पानी की कमी है क्योंकि इस इंसान ने जो है इनको वो इतना बोलते रहे कि कैनी डालो बड़ी जैसी, पानी की जरूरत पड़ जाती है पर एक नहीं सुनते, एक भी नहीं सुनते। थैंक यू। अब अगली बार से मतलब मुझे ही शिवो हमको, मैं इसके पापा के पास छोड़ूंगी और बाकी सारा काम मैं खुद करूँगी। हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव, गोभी है, मटर टमाटर है, मटर है और प्याज है बहुत सारा जो कि हेल्दी के साथ टेस्टी भी। यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं दावत का मजा उठाने के लिए। नेचुरल गेस्ट कौए, ये वहीं वहाँ वहाँ पे भी इंसान होते हैं, वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मास्टर शेफ को खाना बनाते वक्त, क्योंकि उनको दूसरों के ऊपर किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, इन्हें लगता है कि सबसे अच्छा खाना यही बना सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। और देखो ऐसा, और इनका रिव्यू और जो रिव्यू होगा वो बिल्कुल 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 जेन्युइन होगा, मतलब हम जरा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत टेस्टी बनाया है। नहीं नहीं, और एक्चुअली मैं इसीलिए इनके साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जंगल में हूँ और यार जंगल में तो तुम्हें पता है आई एम द बेस्ट। हाँ, यू आर द बेस्ट, लेट्स सी यू आर द बेस्ट। तो अभी प्रकृति जी टमाटर काट रही है और मुझे है ये देखो ये चावल है। तो प्रकृति अभी शिवोहम को खाना खिलाने बैठ चुकी है। हाय प्रकृति। तो यहाँ की एक बहुत खूबसूरत बात ऐसी है कि छाँव में बैठोगे तो ठंड लगेगी और धूप में बैठोगे तो थोड़ा सा थोड़ी गर्मी लगेगी। तो प्रकृति शिवोहम के साथ बिजी है, भाई और भाभी उधर गए बैठे हैं और मैं और अनुभूति बना रहे हैं अभी पुलाव। तो आज सब खाएंगे नवीन ठाकुर के हाथ से बना हुआ टेस्टी और दमदार पुलाव और उसके बाद हम स्कोर भी देंगे। अच्छा ठीक। तो आव्या अभी अपने लिए कुछ इकट्ठा कर रही है, शिवोहम की बहन शिवोहम के लिए काफी हेल्प कर रही है उसकी ताकि धूप ना लगे। जा चुका है प्याज। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, बस इसमें अब चावल डालने और पुलाव तैयार। थोड़ा सा और वक्त और हमारी पुलाव और खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो अभी ये जुगाड़ करके रखा है सिर्फ इसी के लिए ताकि हवा, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो बस हवा से इसको बचाने के लिए। अब देखते हैं कि कैसा पुलाव बना है। खोलो जरा ढक्कन। वाव, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, अब खाने में देखते हैं। चल। और ये खुल गया हमारा पुलाव, तो मैं इसे लुक वाइज 5 में से 5 दूंगी। जंगल में इतना अच्छा खाना दिख रहा है तो 5 में से 5 तो बनता है। तो पहाड़ी धाम स्टार्ट हो चुकी है, तो पहाड़ी धाम में हमारी पतल देंगी अद्विका और गिलास बांटने का काम है आव्या को। तो ये हमारे बचपन में ही किया जाता है। चलिए चलो सब बैठ गए। तो यहाँ पे पतले बांटने का गिलास बांटने का काम शुरू हो चुका है। तीजी सैनिटाइजर भी लाई है साथ, ये शिवम के लिए लेना पड़ता है। तो सब सबको हो चुका है, अब बस खाने का। यार खुद को बहुत भूख लगी है, बैठ जाते हैं और खा लेते हैं।
तो बस खाना पीना जब हो जाए आपका, तो जितना भी कचरा हो तो बस उठाएं, और तो इसी के साथ जितना अपना कचरा था भाई सब इकट्ठा हो गया। अदि कुछ और नहीं रह गया, अपना कचरा देखो बस। तो हमने अपना सारा कचरा पैक कर दिया है और हमने अपने हिमाचल क्लीन और ग्रीन रखना है, हमने अपने हिमाचल प्रदेश को और भारत को स्वच्छ बनाना है। तो भाई अपनी गंदगी अपने साथ ले जाएं और उसको डंप कर दें। मामू आपको कैसा लगा पुलाव? बहुत अच्छा। 5 में से कितने स्टार? 5 में से कितने नंबर दोगे? 100। यस। और बहुत अच्छा लगा आपको? यस। कितने नंबर दोगे? 1000। 5 में से 4। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं अनुभूति पे, दूसरी शेफ पे। तो कैसा लगा आपको? ओके, मास्टर शेफ की किचन में मैं मैंने दिए थे 5 marks लुक वाइज एंड 4.5 टेस्ट वाइज। मैं दूंगी 4.5। ओके, क्यों ऐसा क्यों? 0.5 इसलिए क्योंकि थोड़ा नमक का ऊपर नीचे। वो बटर हमने नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने पता किया, मैं बिना बटर के लिए चक्कर में था, मुझे बाद में याद आया कि बटर भी है हमारे पास। तो जब बटर साथ में होता है ना, तो वो थोड़ा नमकीन और होता है बटर, तो उस चक्कर से वो थोड़ा सा मतलब लिटिल दही होती तो हां दही होती तो मजा आ जाता। तो पूछेंगे हम अपने घर के मास्टर शेफ से कि कैसा लगा उन्हें हमारा हाथ का खाया हुआ बनाया हुआ खाना। तो मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अगर आप डेली घर में भी हमें बना के खिलाओ तो 5 में से 5 नंबर दूंगी। ये देखो भाई, ये गलत बात है यार। नहीं तो मतलब मैं अब मेरी टर्न है, तो यार मैंने बहुत घटिया बनाया, तो ऐसा घटिया मैं किसी को नहीं खिला सकता। और मैं अपने आप को 5 में से 1 नंबर देता हूँ, ताकि मुझे कोई अपने घर में ना लगाए। अपने घर में कोई नहीं लगा रहा आपको, आपके ही घर में लगाएंगे। खाना थोड़ा बच गया था तो हमने उसे वेस्ट नहीं किया, हमने डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे जो बर्ड्स और खासकर यहाँ कौवे बहुत सारे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल उन्हीं के लिए बचाया था कि इन्हें भी देना है। तो अब हम लास्टली करेंगे थोड़ा एंजॉय, नाच गाना होगा। ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाएंगे हम गाना, क्योंकि नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हम थोड़ा सा प्राइवेट रहेंगे, मतलब थोड़ा सा इतना ही साउंड रखेंगे जितना हमें सुनाई दे। तो यहाँ पे आपको एक खास बात बता दूँ, आपको यहाँ सामने सीनरी दिख रही होगी बहुत सुंदर, साथ में दिख रहा होगा कि पहाड़ जो है बिल्कुल ऐसे एकदम से इस तरह से है, और कटिंग होके नीचे को है और सीधा है। फिर ये जहाँ पे हम हैं शौंडाधार, तो ये भी कुछ इसी तरह का है बना हुआ। तो ये मैं बताऊँ आपको, ये सामने दिख भी रहा होगा कि ये सिर्फ फेस की शेप का है, कटिंग हुआ है, सीधा सीधा कटिंग हुआ है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वैसे, तो ये जो कटिंग करके बनता है ये है हवा के एक्शन से, मतलब विंड्स जैसे जैसे बहती जाती है ये काटती रहती है, और कटिंग से जो है ये इस तरह के एकदम से टेबल की तरह बन जाता है। तो इसके पीछे आपको दिख रहे होंगे स्नो वाली माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन्स दिख रही होंगी। तो जितने भी ये एक्चुअली, हाँ ये खीर गंगा नेशनल पार्क का एरिया है जो पीछे स्नो वाला दिख रहा होगा। पहले नेशनल पार्क नहीं था, पहले ये सारा GHNP पे आता था, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। अब ये सारा जो है ये खीर गंगा नेशनल पार्क के अंदर आता है, मतलब ये पार्वती जो है, पार्वती वैली बोल सकते हैं उसको, वो वाले एरिया शुरू हो जाएगा यहाँ से। बाकी ऐसा है कि ये जितने भी बर्फ़ वाले पहाड़ हैं ये सारे के सारे जो हैं धौलाधार से हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज। तो अब टाइम हो चुका है, लगभग 4 बज चुके हैं। एक घंटे का सफ़र करना पड़ेगा टिल अपने घर पहुंचने तक, और शिवम भी सोया है, उसको भी अब थोड़ा रिलैक्स करवाना पड़ेगा घर जाके। तो
तो बस यार आज की वीडियो यही थी, माउंटेन फैमिली आई थी आज एक नई लोकेशन की ओर, और इस लोकेशन का नाम मैं बता दूं जाते जाते शौंडाधार। तो ये पड़ती है बुंतर से, काफ़ी नज़दीक है, लगभग रख लो आप 15 से 20 किलोमीटर रख लो आप। खूबसूरत लोकेशन, बहुत खूबसूरत है, ये जो मीडियो है इसका बहुत ब्यूटीफुल है, आपने देखा भी होगा इसको। बाकी अपनी माउंटेन फैमिली तो खुश है ना आज? तो भाई मज़ा है, बहुत मज़ा है। तो बस भाई काफ़ी कम आते हैं, क्या करना, शॉप में भी बैठना पड़ता है। तो अद्विका तो हमारे साथ आती रहती है, अव्य भी आती रहती है, है ना? फिर आना तुमने घूमने? तो ये है हमारी पूरी फैमिली, दीदी हमारे साथ है ट्रिप में आए इस बार, क्योंकि स्पेशली सभी की डिमांड थी कि सब चाहते थे कि दीदी को देखना है। एक्चुअली क्या है, वीडियो मतलब हमारे साथ होते हैं ऐसे ट्रिप में नहीं, पर घर में वीडियोस में होते हैं, पर दीदी बहुत कैमरा शाय है, मैं भी थी पहले, पर अब थोड़ी ठीक हो गई हूँ, तो इसलिए आज हमने उनको बोला कि आपको आना ही है और वीडियो में ज़रूर आना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बट आज इसकी मम्मी नहीं आए क्योंकि उनको थोड़ा काम था, तो जिसके कारण वो नहीं आ पाए, बट अगली बार बोलो अपनी मम्मा को कि जरूर आना मम्मी। मम्मा पापा जरूर आना। देखो मम्मा पापा इसके, जिसके जो भी इसके मम्मा पापा हैं, तो प्लीज सुन रहे हो कैमरा के थ्रू, जरूर आओ, जहाँ भी हो आप, जिस भी इलाके में रहते हो, तो प्लीज आए और बच्चे का साथ दें और एंजॉय करें बच्चे के साथ। तो बस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मिलती रहेगी आपको लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए माउंटेन फैमिली की तरफ से बाय।